वेलकम इतनी ठंड हो रही है फातिमा, धुंध हो रही है, ये देखें। मैं जा रही हूँ सुबह खुरम को खाना नाश्ता दे रही था, सुबह को नाश्ता दे दिया था, तो मैंने कहा था मैंने आज आना है काम से तो चाय मैं खुद लेके आऊँगी, तो कह रहे थे चलो ठीक है। अम्मी के लिए साग बनाया था, अपने लिए साग बनाया था, तो अम्मी के लिए भी निकाला था, तो अम्मी को वो भी देने जाना है। मोहम्मद अरसलान घर पर इतनी धूम में नहीं मैं लेके आऊँगी उससे किसी भी कीमत पर, धूम में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तुम्हारा ज़्यादा वक्त तो बाहर गुजर जाता है, तो मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, बीवी भी हूँ, दोस्त भी हूँ। तो कभी किसी के लिए कुछ लेने जाना, कभी किसी के लिए कुछ, बच्चों को छोड़ने जाना, लेने जाना, सारा वक्त इसी में गुजर जाता है। आज मैं बना रही हूँ जो है आलू गोश और साथ मटर वाले चावल। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने जो है ना सूप बनाया, आज वेजिटेबल सूप बनाया था। मौसम आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी ना गैस का कुछ समझ आ रहा है, ना हालात का कुछ समझ आ रहा है। मैं अपना घर बताते चलूँ तो हम कराची से हैं ना, तो वहाँ पे हमने कभी इस तरह का मौसम नहीं देखा। मैं रही लाहौर में ही हूँ मगर शादियों के मैं कराची गई हूँ, तो अब यहाँ आके जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा, दो साल हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, जो नहीं हम सह पा रहे हैं। तो बच्चे जो उनसे छोटे छोटे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मियाँ जो उनसे मेरे वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुबह 6 बजे जाना है, शाम को 6 बजे वापस है, तो उनका सारा बाहर बैठ के काम है, तो वो उनकी तबीयत ऐसी रहने लगी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही उनसे। तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कभी YouTube का चैनल स्टार्ट करूँगी या मैं कोई ऐसा काम करूँगी, मगर अब मेरा एक सपना है कि मैं अपने घर को लेकर चलना है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में बाकी की ज़िंदगी अगर हमारी कराची में लिखी है तो क्यों ना हम कराची जाएँ वापस। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही हूँ कि हस्बैंड का भी हाथ कर रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, सास ससुर को भी देख रही हूँ, यानी कि सब मैनेज कर रही हूँ। बाहर भी जाती हूँ घर के काम करने के लिए, तो मतलब फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है इंसान में, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है। अगर एक दफ़ा गलती हो जाती है ना तो उस गलती को दोहराया जाता है कि यहाँ गलत थे। तो कोशिश किया करें कि बेहतर करने की कोशिश करें, अपने शोहर का साथ दें, उसका साथ आप कभी ना छोड़ें, क्योंकि वही आपका एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए आप इस घर में आते हैं तो अपने घर को आप चलाते हैं। तो मैं अपने अगर मैं अपना नज़रिया देखूं तो ना मैं ना मेरा घर मेरे ना मेरा मायका मेरा घर है, ना मेरा ससुराल मेरा घर है, औरत का कोई घर नहीं होता और यहाँ वहाँ भटकती रहती है कि ये कर लो वो कर लो इस तरह कर लो इनकी खुशी के लिए कर लो उनकी खुशी अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती। बस इतना ही कहना है खुश रहें खुशियाँ बांटें, अपनों को खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। इख्तलाफात तो हर जगह होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, इख्तलाफात तो बगैर ज़िंदगी में नामुकम्मल है। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और प्लीज़ मेरा मुझे सपोर्ट करें कि मैं अपने जो मेरे माइंड में बना हुआ है कि मैंने ये करना है उसमें मेरा साथ दें। और मुझे दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया मुझे क्या कहती है, अपने क्या कहते हैं, वैर क्या कहते हैं, नहीं परवाह, मुझे सिर्फ अपना घर देखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करिएगा।